अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट मोहम्मद दाऊद, आज आप लोगों के साथ कुछ बजट की हाइलाइट्स डिस्कस करना चाहता हूं जो हमारे 2021 और 2022 के लिए अनाउंस किया गया है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ने बजट की अनाउंसमेंट 11 जून 2021 को की थी। उससे रिलेटेड मैं कुछ आपके साथ फाइनेंस से रिलेटेड इनकम टैक्स की, सेल्स टैक्स की, ये मतलब कुछ आपसे डिस्कस करूँगा, बट मिनिमम पॉइंट्स होंगे वो इस लिहाज से क्योंकि ये फाइनेंस बिल आया है जिसमें इन्होंने प्रपोज अमेंडमेंट्स डाल दी हैं जो अभी एप्लीकेबल होनी है या नहीं होनी, इसका फैसला कानून बनने के बाद जब फाइनेंस एक्ट बन जाएगा तो उसमें अनाउंस कर दिया जाएगा। होता कुछ ऐसे है क्योंकि ये एक ड्राफ्ट की फॉर्म में है, उसमें चेंजेस हमारे प्रेजिडेंट साहब ने भी की है और उसके बाद ये असेंबली में और सेनेट में जाता है जिसको फाइनल अप्रूवल के बाद पब्लिक के लिए ऑन एयर कर दिया जाता है, फिर वो फाइनेंस एक्ट की शक्ल बन जाती है। हमारे फाइनेंस एक्ट जब ये बन जाएगा तो जो जो जिसकी प्रपोज अमेंडमेंट्स की गई थी, इनकम टैक्स में हो, सेल्स टैक्स में हो, फेडरल एक्साइज ड्यूटी में हो और जितने भी लॉज फाइनेंस से रिलेटेड हैं और जितने इसके अलावा भी कैपिटल टेरिटरी के सांबद के भी को मामला होंगे, वो भी सारे के साथ क्लब करके ऑल इन वन करके पब्लिकली अनाउंस कर दिए जाते हैं। कुछ थोड़ा सा आपसे इनकम टैक्स का डिस्कस करूँ, कुछ चेंजेस जो बिजनेसमैन के लिए कुछ इसमें फ़ायदे बहुत दे दिए गए हैं और तनहादार तबके में थोड़ी सी मुश्किलात डाली हैं इन्होंने, कुछ सैलरी और स्लैब रेट्स में फ़र्क कर दिया है, कुछ अलाउंसेज में कुछ कमी कर दी है, कुछ जो परपोजिट्स वगैरह मिलते थे सैलरी क्लास के लिए उसमें कुछ चेंजेज आ गई हैं, रेंटल इनकम के बारे में है, उसके अलावा जो फिक्स डिपॉजिट लोगों ने बैंक में रखे होते हैं, नेशनल सेविंग्स में हैं, उनमें कुछ रेट्स में चेंजेज आई हैं। इसी तरह कुछ इसके अलावा इनकम टैक्स में कुछ रेट परमिसेस के हिसाब से बिजनेस क्लास के लिए, चाहे वो कंपनी हो, नॉन कंपनी के मैटर्स हों, उसके अलावा सोल प्रोवाइडर हो या पार्टनरशिप फर्म्स हों, किस किस तरीके से इनकी ट्रीटमेंट होगी, वो सारे के सारे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब ये एक्ट बन जाएगा हम लोग एक प्रॉपर एक वीडियो बना के और पब्लिक के लिए इसको ऑन एयर कर देंगे। इसके साथ साथ हम लोग चलते हैं सेल्स टैक्स में भी उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। इसमें जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, कुछ मामलात हैं जो इन्होंने टायर वन रिटेलर्स के लिए हैं, उसके अलावा और जो से अपना आपकी रिटर्न के हवाले से है अब कुछ चेंजेस कर दिए हैं। अनलिस्टेड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कुछ फ़ायदे उन्होंने दे दिए हैं। इसके अलावा कुछ हार्श अमेंडमेंट की गई हैं जो आने वाले वक्त में थोड़ी सी मुश्किल होगी, जिसमें हुकूमत को हम लोग हमारी तरफ से एडवाइस भी होगी उस पर कुछ उस बारे में सोचा जाए ताकि उस पर अमल दरामद ज़रा करने से पहले नज़रसानी करके उसमें कुछ थोड़ी सी चेंजेस करके पब्लिक के लिए आसानी कर दी जाए।